एक ऐसा स्कैम जिसे गवर्नमेंट को भी लीगल करना पड़ा। ये स्कैम 1992 से कई गुना ज्यादा बड़ा था। 30,000 करोड़। कैसे एक फल बेचने वाले लड़के ने भारत का सबसे बड़ा स्कैम करा, और अगर गवर्नमेंट इस स्कैम को लीगल नहीं करती तो पूरे इंडिया का जुडिशरी सिस्टम तबाह हो जाता, हजारों बिजनेस बंद हो जाती, हर जगह सिर्फ तबाही होती। और इन सब के पीछे द मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी का हाथ था। आज हम जानेंगे 2003 में हुए इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कर्नाटका में जन्मे अब्दुल करीम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। अब्दुल बचपन से रेलवे स्टेशन में फल बेचकर अपने फैमिली को देखते थे, पर हालात हमेशा से इतने बुरे नहीं थे। अब्दुल के पिता रेलवे में काम करते थे और वो एक अच्छी स्टेबल लाइफ जी रहे थे, बट डायबिटीज से उनकी देहांत होने के कारण पूरी जिम्मेदारी अब्दुल और उसके भाई के ऊपर आ जाती है। इतनी मुसीबत के बाद भी अब्दुल ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और सर्वोदयालय हाई स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली और जॉब ढूंढने लग गए। बट जो भी जॉब करते अपने आलसीपन की वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता। काम की तलाश में अब्दुल मुंबई चले गए, पर वहाँ पर भी सही से काम ना करने की वजह से उनको निकाल दिया जाता। इसी बीच अब्दुल को सऊदी अरेबिया के बारे में पता चलता है, वहाँ पर काम करने से ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो सऊदी चले गए। कुछ वक्त काम करने के बाद वो नोटिस करते हैं कि इंडिया से बहुत लोग सऊदी आना चाहते हैं काम और पैसे के लिए, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने के कारण और क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के कारण वो नहीं आ पाते। तो अब्दुल ने मुंबई वापस आकर एक दुकान रेंट में लिया और अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम से एजेंसी खोली, और उन कैंडिडेट्स को फेक पासपोर्ट, वीज़ा और इमिग्रेंट सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पर यह बिज़नेस ज़्यादा दिन तक नहीं चला। पुलिस को इसकी खबर मिलने के बाद 1993 में मुंबई पुलिस ने अब्दुल को अरेस्ट कर लिया। तो देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई क्राइम की वजह से जेल जाता है तो या तो वो अपना सबक सीख लेता है और एक नॉर्मल लाइफ जीता है, या फिर बाहर आकर उससे भी बड़ा क्राइम करता है। और यही हुआ अब्दुल करीम तेलगी के साथ। जेल में उसे और भी क्राइम के बारे में पता चला। जेल में तेलगी की मुलाकात होती है राम रतन सोनी से। राम रतन सोनी एक स्टॉक ब्रोकर था जो फेक स्टॉक सर्टिफिकेट के आरोप में फंसा था। सोनी ने तेलगी को फेक स्टैम्प पेपर के बारे में बताया और बताया कि अगर सही पॉलिटिकल कनेक्शन और सपोर्ट रहा तो फेक स्टैम्प पेपर स्कैम बहुत बड़े स्केल में किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त हर एक छोटी से छोटी चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए स्टैम्प पेपर को यूज़ किया जाता था, और स्टैम्प पेपर की कमी भी रहती थी क्योंकि ज़्यादा डिमांड भी रहता था। आगे बढ़ने से पहले हमें इंडिया का स्टैम्पिंग सिस्टम समझना होगा। मेनली दो तरह के स्टैम्प होते हैं। पहला जुडिकल स्टैम्प पेपर, जो यूज़ होता है एफिडेविट फाइल करने के लिए, दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट करने के लिए जो कोर्ट में पेश होता है, और दूसरा होता है नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर, जो हम यूज़ करते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सेल डील, पावर ऑफ अटर्नी, मॉर्गेज अग्रीमेंट या अलग अलग तरह के अग्रीमेंट के लिए। और तेलगी स्कैम के लिए नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर यूज़ करता था, जिसकी शुरुआत हुई जब तेलगी और सोनी जेल से निकलकर नकली स्टैम्प बनाने का सोचते हैं। उसके लिए उन्हें वेंडर्स लाइसेंस चाहिए था, बट ये लाइसेंस सबको नहीं मिलता और इसका वेटिंग पीरियड 3 साल तक होता है। लेकिन तेलगी ने वहाँ के ऑफिशियल्स को घूस खिलाकर 3 महीने के अंदर वेंडर्स लाइसेंस फाड़ लिया। स्टार्टिंग में तेलगी और सोनी ने पुराने स्टैम्प पेपर्स की राइटिंग और मार्किंग को इरेज करके उनको रीयूज करती थी, और सेल्स के लिए कुछ MBA ग्रेजुएट्स को हायर किया, जो आगे जाकर 350 से भी ज़्यादा हो गए। तेलगी की सेल्स टीम मेनली फोकस करती थी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक, शेयर ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज को। स्टैम्प की ज़्यादा डिमांड के कारण सारे वेंडर्स एक्चुअल रेट से ज़्यादा में स्टैम्प को बेचा करते, बट तेलगी अपने स्टैम्प को कुछ ज़्यादा डिस्काउंट में बेचता, जिससे सारे क्लाइंट्स उसी से स्टैम्प लेते। तेलगी ने इतने सिस्टमैटिक तरीके से स्कैम को चला रहा था, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग, डिलीवरी का अलग। जो लोग स्टैम्प प्रोड्यूस करते थे वो तेलगी के बहुत करीबी थे, उनमें से तेलगी का भाई अब्दुल रहीम तेलगी भी था। ये काम इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज था कि कुछ लोगों को छोड़कर किसी को पता ही नहीं कि वो स्कैम का एक पार्ट है। पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि तेलगी के क्लाइंट्स को पता चलने लगा था कि ये नकली स्टैम्प पेपर है, और पुलिस कंप्लेन कर दी। 1995 में तेलगी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया, और उसी साल सोनी और तेलगी अलग हो गए। फिर 1996 में तेलगी ने अलग अलग शहरों में दूसरों के नाम पर वेंडर लाइसेंस लेने लगी, लेकिन इस बार तेलगी चाहता था कि नकली स्टैम्प पेपर ऐसा बने कि किसी को पता ही ना चले कि वो नकली है। ऐसा करने के लिए उसे असली प्रिंटिंग मशीन चाहिए था,
तब उसकी नज़र पड़ी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक के ऊपर, जो पुराने प्रिंटिंग मशीन को डिसमेंटल करके ऑक्शन में बेचती थी। तेलगी ने वहां के लोगों को खरीद कर वो प्रिंटिंग प्रेस बिना डिसमेंटल के खरीद लिया और वहीं से पेपर, इंक, बाकी के सामान लेने लगी। अब तेलगी ने बहुत तेज़ी से फेक स्टैम्प पेपर बनाता और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन इतने से भी वो खुश नहीं था। उसने अब दूसरे वेंडर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। जो वेंडर्स गवर्नमेंट से स्टैम्प पेपर लेती, उन्हें 2-3% कमीशन मिलता। वही कमीशन 30% मिलने लगा अगर वो तेलगी से स्टैम्प पेपर लेगी। तेलगी स्टैम्प पेपर इतना बारीकी से बनाता था कि वेंडर्स तक को नहीं समझ में आता कि वो नकली है या असली। साल है 1998। अब अब्दुल करीम तेलगी अपने गोल्डन टाइम में था। उसके नकली स्टैम्प पेपर देश में लोग यूज़ कर रहे थे। बहुत बार लोगों ने कंप्लेन भी करा, लेकिन तेलगी ने पॉलिटिशियन से लेकर कांस्टेबल तक सबको खरीद लिया। हालात इतने बुरे थे कि वो लोगों को घूस नहीं, हर महीने तनख्वाह के रूप में घूस देता था। तेलगी को बाहर जाना और पैसे लुटाना पसंद था, तो एक दिन में एक बार डांसर के ऊपर 93 लाख रुपीज़ उड़ा दिया। तेलगी के पास पूरे देश में अलग अलग जगह में करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। कई रिपोर्ट्स की माने तो ये स्कैम 30,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक था। पर कहते हैं ना, झूठ कितना भी बड़ा हो जाए, एक न एक दिन सच के आगे झुकना पड़ता है। 1998 से 2001 तक तेलगी के गोल्डन पीरियड के बाद अब तेलगी का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया था। तेलगी को अरेस्ट करवाने से लेकर उसके स्कैम को सबके सामने लाया सिर्फ एक इंसान ने, और वो कोई और नहीं, तेलगी का अपना दोस्त जयंत एम तिनाकर। तिनाकर और तेलगी खानापुर में एक साथ बड़े हुए। तिनाकर अपने फैमिली का होटल चलाया करता और तेलगी स्टेशन में फल बेचता था। तेलगी ने जब खानापुर छोड़ा तब वो बहुत गरीब था, लेकिन कुछ साल बाद जब वो वापस आता है तो खानापुर में बहुत सारे प्रॉपर्टी को खरीदने लगा। तिनाकर को कुछ गड़बड़ लगा तो वो तेलगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। तो 1996 से 2001 तक बहुत सारे प्रूफ तिनाकर ने इकट्ठा किए थे। उसने बहुत सारे अथॉरिटी को जाकर कंप्लेन भी किया, लेकिन सब तेलगी के हाथों बिके थे। तिनाकर ने प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा, पर कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच तेलगी के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स, यहाँ तक कि अपने ड्राइवर का मर्डर का भी केस था। तब तिनाकर ने एक पॉलिटिकल लीडर को सब सबूत हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद तेलगी का एक नकली स्टैम्प पेपर का ट्रक पकड़ा गया, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करा तो और कई जगह से स्टैम्प मिलने लगे। जब पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाया तब एक नाम सामने आ रहा था, तेलगी। फिर ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया और तेलगी को अजमेर शरीफ की दरगाह से 2006 में अरेस्ट कर लिया जाता है। जब तेलगी की नार्को टेस्ट की जाती है तो वो बहुत सारे पॉलिटिशियन का नाम लेता है, बट बाद में वो नार्को टेस्ट झुठला देता है कि वो कभी उनसे मिला ही नहीं। लेकिन इसकी वजह से तेलगी के ऊपर जिन पॉलिटिशियन का हाथ था उसने हाथ छोड़ दिया, और कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की जेल और 250 करोड़ की पेनल्टी भरने की सज़ा दी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी पेनल्टी थी। तेलगी को एड्स, डायबिटीज़ और कई तरह की डिजीज़ थी। पूरे 11 साल जेल में बिताने के बाद 20 अक्टूबर 2017 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये थी वो स्टोरी जो हम सबको मीडिया बता दी है, लेकिन तेलगी की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से नहीं, बल्कि उसका मर्डर करवाया गया था। क्योंकि तेलगी उन लोगों का नाम लेने वाला था जिनका नाम अगर बाहर आ जाता तो पूरा भारत हिल जाता। तेलगी के स्टैम्प्स पूरे इंडिया के लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर गवर्नमेंट इसे इनवैलिड मान लेती तो पूरा इंडिया का जुडिशरी सिस्टम हिल जाता। तो सरकार को उस स्टैम्प को लीगल करना पड़ा, एक ऐसा स्कैम जिसने सरकार बदल दी।